क्या पूर्वांचल में खत्म हो गया धनंजय सिंह का दबदबा? कैसे एक युवा नेता से बाहुबली बन गए धनंजय सिंह? ये बात भी जानना जरूरी है कि धनंजय सिंह के सियासी आरोपों में है कितना दम? क्यों अब बीजेपी के लिए पूर्वांचल जीतना हो गया है बेहद आसान? बड़ा सवाल, क्या अब धनंजय सिंह का सियासत में हो गया है गेम ओवर? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आज बात धनंजय सिंह के सियासी सफर पर लगे ब्रेक और उससे बदलने वाली पूर्वांचल की राजनीति और उस बदलती पूर्वांचल की राजनीति का यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ने वाले असर की। तो धनंजय सिंह की सियासत पर लगा विराम, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम, इस बात पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि धनंजय सिंह को आखिर किस मामले में दोषी ठहराया गया। तो बात यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2020 में दर्ज हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी केस में पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह को दोषी ठहराया और धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल धनंजय से जुड़ा मामला गंभीर, तो इस सजा के परिणाम भी धनंजय के लिए गंभीर साबित होने वाले हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कोई भी नेता 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर सजा की अवधि पूरी होने से 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अब कोर्ट की सजा के बाद धनंजय सिंह वर्तमान स्थिति में करीब 13 साल तक चुनाव लड़ पाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से सजा को चुनौती जरूर दी जा सकती है और धनंजय भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि वो मामले को हाई कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसे संकेत उनकी तरफ से आ रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं धनंजय की सियासत का। बात साल 2002 की है और कहा यह जाता है कि जब धनंजय ने सियासत में कदम रखा था तो वो साल 2002 ही था जब पहली बार रारी विधानसभा से एलजेपी समर्थित निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत कर बतौर जनता के प्रतिनिधि यानी विधायक बनकर धनंजय सिंह यूपी विधानसभा में दाखिल हुए थे। फिर आता है साल 2007, जब आम चुनाव में जेडीयू के टिकट पर धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा और फिर से बन गए विधायक। ये वो दौर था जब 2 बार चुनाव जीतकर धनंजय सिंह ने यह साबित कर दिखाया कि उनकी जमीन पर पकड़ है, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर भले ही उनका दल बदले। लेकिन सच यही है कि पूर्वांचल में धनंजय का दबदबा है और इस बात की असल तस्दीक हुई 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब धनंजय सिंह 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2009 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई उनकी विधानसभा सीट पर धनंजय सिंह ने अपने पिता राजदेव सिंह को खड़ा किया और धनंजय ने अपने पिता को जितवा कर उन्हें भी बनवा दिया माननीय, जो बताता है कि पूर्वांचल के अहम हिस्से जौनपुर में धनंजय की पकड़ है और वो न सिर्फ एक दो विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी एक मजबूत सियासी दखल रखते हैं। तभी तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब सजा के ऐलान पर धनंजय सवाल उठा रहे और अपने साथ घट रही हर घटना को सियासी षड्यंत्र करार दे रहे। अब सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और कोर्ट का फैसला अपनी जगह। ऐसे में अब आप उस केस को भी समझ लीजिए जिसमें धनंजय सिंह दोषी है। धनंजय से जुड़ा ये पूरा मामला ये है कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल, जी हाँ, जिन्होंने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय और उसके साथी विक्रम पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें शिकायत ये की गई थी कि संतोष विक्रम ने 2 साथियों के साथ सिंघल का अपहरण किया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर लेकर गए। वहां पर धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया, इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। खैर, यह कोई पहला मामला नहीं है जो धनंजय की क्राइम कुंडली की ओर आपका ध्यान खींचता है।
सच तो यह है कि ऐसे कई और ऐसे मामले हैं जो धनंजय सिंह को बाहुबली बनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बनसफा गांव में सामान्य परिवार में जन्मे धनंजय ने जौनपुर के टीडी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे, मंडल कमीशन का विरोध कर धनंजय ने अपनी छात्र राजनीति को धार दी और खुद को युवा नेता के तौर पर स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की। इस दौरान अभय सिंह के संपर्क में धनंजय आए और फिर अलग अलग मुकदमों में नाम आने से धनंजय सिंह सुर्खियों का एक स्थायी हिस्सा बनते चले गए। धनंजय सिंह से जुड़ा एक मामला तो ऐसा भी है जिसने यूपी पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। दरअसल धनंजय सिंह के मारे जाने की खबर पर पुलिस ने जमकर अपनी पीठ थपथपाई थी, लेकिन जब 3 महीने बाद असली धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया तो सफलता के झूठे झंडे गाड़ने वाली पुलिस टीम के जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। ये पूरा मामला है साल 1998 का, जब 17 अक्टूबर 1998 को भदोही जिले की पुलिस ने भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। तब पुलिस टीम ने यह दावा किया था कि पेट्रोल पंप लूटने जा रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी शामिल था। लेकिन धनंजय सिंह ने करीब 3 महीने बाद 11 जनवरी 1999 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया और फिर धनंजय के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। ऐसे में फिर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस पर लग गए निर्दोष लोगों के एनकाउंटर के आरोप। एनकाउंटर करने वाली टीम जांच के घेरे में आ गई। मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर केस दर्ज हुआ और 34 पुलिसकर्मी फंस गए इस केस की जांच, इस केस से जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही के दायरे में। ऐसे में वक्त के साथ कुछ पुलिसकर्मी बरी भी हुए तो कुछ केस की अवधि के दौरान ही दिवंगत भी हो गए। बहरहाल अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि धनंजय सिंह को बाहुबली क्यों कहा जाता है, और उन कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे जिनका शुरुआत में हमने जिक्र किया था, जैसे क्या है धनंजय का सियासी वजूद, एक केस में उनकी सियासी महत्वाकांक्षाओं को प्रेजेंट सिनेरियो में ही सही मगर पूरी तरह ध्वस्त तो कर ही दिया है। अब धनंजय के जेल में रहने पर पूर्वांचल की राजनीति में आने वाले बदलाव और उसके यूपी की सियासत में पड़ने वाले असर को भी थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। तो दरअसल जौनपुर सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाता अब तक तो यूपी की सियासत से ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा रहा है। अब ऐसे में सजा से पहले तक ये माना जा रहा था कि धनंजय सिंह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, तभी तो बीजेपी के खेमे से कृपा शंकर के प्रत्याशी घोषित होने के चंद घंटे बाद ही धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का अपना दावा ठोक दिया था और इशारों इशारों में उनके नाम से कैंपेन की शुरुआत भी हो गई थी। और ऐसे में धनंजय सिंह के खेमे से नारा निकला था, जीतेगा जौनपुर, जीतेंगे हम। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। प्रत्यक्ष तौर पर धनंजय सिंह चाहकर भी चुनावी मैदान में उतरेंगे इस बात की संभावनाएं ना के बराबर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि धनंजय सिंह के नाम पर जौनपुर उसके आसपास की लोकसभा सीट पर गढ़े जाने वाले सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे और धनंजय से जुड़ा जनाधार काफी हद तक अलग अलग खेमों में बट जाएगा, जिसका सीधा फायदा पूर्वांचल में बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। मगर धनंजय सिंह का कद इतना भी छोटा नहीं है कि उनके जेल में रहने भर से वो पूर्वांचल की सियासी पिक्चर से पूरी तरह आउट हो जाएंगे। अब सियासी गलियारों में चर्चा तो इस बात की हो रही है कि वो जेल में रहते हुए भी बड़ा सियासी खेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल धनंजय सिंह को कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी उनसे मिलने जेल पहुंची, तो वो किसी सामान्य गृहिणी की तरह नहीं बल्कि एक सियासी नेता की तरह दिख रही थी। और उनका ये अंदाज कोई नया भी नहीं है, क्योंकि पता होगा आपको कि श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और दक्षिण भारत के एक बड़े राजनीतिक और व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी तेलंगाना के विधायक रह चुके हैं। धनंजय सिंह से मुलाकात के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने उनके समर्थकों से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपके नेता को आपकी सहानुभूति की जरूरत है, जो ये बताता है कि आने वाले वक्त में धनंजय सिंह की सजा का मसला श्रीकला के लिए जौनपुर में सहानुभूति में तब्दील हो सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में श्रीकला जौनपुर से चुनाव लड़ती नजर आए और धनंजय से जुड़े जनाधार को अपने साथ कर उन विरोधियों का गेम ओवर कर दे जो सोच रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह का गेम ओवर हो गया है। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत आज के लिए, फिर होगी आपसे कल मुलाकात एक नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।